तो इसमें देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो आपका के सी फॉर होता है कंसंट्रेशन के लिए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, और पी का मतलब होता है प्रेशर के लिए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर। अब प्रेशर और इसमें डिफरेंस क्या होगा कि फॉर्मूले में डिफरेंस हो जाएगा। जैसे मैंने कहा के सी का फॉर्मूला बताओ, तो होगा तो वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन यहाँ पे किसके टर्म्स में हो जाएगा, कंसंट्रेशन के टर्म्स में। तो पहले सी लिखेंगे, तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं इसको सी इसकी पावर सी, ऐसे ब्रैकेट डी इसकी पावर डी, ऐसी ए इसकी पावर ए, और बी इसकी पावर बी। अगर वो कह रहा है ऐसा नहीं लिखना है, तो आप क्या करो कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं सी यहाँ पे सी इसको सी, और यहाँ पे भी सी, कंसंट्रेशन सबके साथ आएगा तो डी डी, ऐसे कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, ए इसकी पावर ए, ऐसे बी इसकी पावर बी। और अगर इसी रिएक्शन को मैं केपी के टर्म्स में लिखूंगा, तो मैं लिख दूंगा केपी इज इक्वल टू प्रेशर आ जाएगा, जैसे कंसंट्रेशन आया था ऐसे प्रेशर आ जाएगा। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने कहा सी है तो सी सी, ऐसे डी डी यहाँ पे ए ए, और बी बी, दोनों आ गए। अब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जनरली ये आइडियल गैस के लिए ही फॉलो होती है, इस तरीके से ही होता है, आइडियल के लिए होता है। तो अब के पी और के सी का हमें फॉर्मूला पता चल गया यहाँ से। अब मुझे सी और पी में रिलेशनशिप करना है, तो मैं क्या करूंगा आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊंगा, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी बी इज इक्वल टू एन आर डी। अगर ये वी अपॉन में चले गया तो हो जाएगा पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, और एन अपॉन वी को कहते हैं सी, तो हो जाएगा पी इज इक्वल टू सी आर टी। अब मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस करना है बस, जहाँ पे प्रेशर लिखा है अगर मैं उसे कंसंट्रेशन के टर्म्स में करूंगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे पी की जगह को रिप्लेस कर दूंगा सी आर टी से बस, ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं करना है मुझे, यहाँ पे चेंज करना है बस। तो ये पहले समझ में आ गया यहाँ तक, यस सर। अब देखो जहां पे पी लिखा है पी फॉर प्रेशर, उसको मैं चेंज कर दूंगा सी के टर्म्स में, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो इसको मैं लिखूंगा अब के पी इज इक्वल टू, अब सी आर टी, पी की जगह पे मैंने लिख दिया सी आर टी, अब यहाँ पे भी सी यहाँ पे भी सी, दूसरा पे सी आर टी जहाँ पे मैंने लिखा था पी उसकी जगह पे डी यहाँ स्मॉल डी अपॉन, फिर यहाँ पे सी आर टी इसके नीचे ए और यहाँ ए, ऐसी सी आर टी इसके नीचे बी और यहाँ भी बी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो आर टी क्या होता है, आर टी इज कॉन्स्टेंट, आर आपका आर की वैल्यू फिक्स होती है, टेम्परेचर भी फिक्स होता है, तो दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट होते हैं, तो ये सी के लिए डी के लिए ए के लिए बी के लिए सबके लिए सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, केवल सी सी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा इंटू सी, इसको डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो डी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डी डी आ गया अपॉन, यहाँ पे भी ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा ए ए, और उसको भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बी और बी। अब जो ये आर टी है, आर टी चाहे सी के लिए हो, देखो आर टी की वैल्यू चाहे सी हो चाहे डी हो चाहे ए हो चाहे बी हो सबके लिए सेम होगी, ये तो नहीं कि गैस कॉन्स्टेंट किसी के लिए कुछ और हो रहा है। अगर टेम्परेचर मैंने लिखा 298 केल्विन तो सबके लिए सेम होगा, अगर मैंने कहा आर इज इक्वल टू 8.314 तो सबके लिए सेम होगा, तो उसमें सी ए बी लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो उसमें हम क्या लिखते हैं, केवल आर टी पावर लिख लेते हैं बस, इसकी पावर सी आर टी की पावर डी अपॉन आर टी की पावर ए और आर टी की पावर बी, ठीक है, आर टी की पावर बी यहाँ पे बी आ जाएगा बस। अब देखो ये वाली चीज अभी हमने लिखी थी किसके लिए यूज हुई थी, ये वाला, ये वाला किस चीज के लिए यूज हुआ था, सही, केसी के लिए यूज हुआ था। हाँ, तो के पी इज इक्वल टू हो जाएगा के सी। अब देखो ये आर टी चारों जगह है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पावर सम होती है, और जब डिवाइड करेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो हो जाएगा आर टी। अब जो ऊपर है उसमें सी प्लस टी, जो नीचे है इसको भी पहले ऐड कर दो ए प्लस बी,
अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो जाएगा के सी इंटू आर टी की पावर सी प्लस टी, तो ये हो गया प्रोडक्ट का सम माइनस ए प्लस बी, ये हो गया रिएक्टेंट का सम। तो कहता है इसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं डेल एन, डेल एन जी, तो सी के सी आर टी की पावर डेल एन, ये हो जाएगा के पी इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला आ गया आपका के पी और के सी में रिलेशनशिप का। तो ये क्या है, चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो सी डी क्या है, सी डी है प्रोडक्ट और ए बी क्या है, रिएक्टेंट है, तो इन दोनों का माइनस, तो इसे कहते हैं डेल का मतलब चेंज हो जाना, ठीक है। तो ये हो गया के पी के सी में रिलेशनशिप। अब आया समझ में कि नहीं आया, यस सर। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं आपके पास कि एक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा या किस कंडीशन में केपी और केसी में से कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। तो ये अभी आप क्वेश्चन आंसर करोगे तब अलग अलग क्वेश्चन आंसर आएंगे इसके बेस पे। तो अब बताओ इसके आगे और कोई चीज ऐसी जो इसमें नहीं आई हो? नो सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अब क्वेश्चन आंसर करते हैं मेन, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर होगा वही आएगा। तो एक बार आप ट्राई करके देखो फिर मुझे पूछो आप उससे, है ना? ओके सर। मैं बताऊंगा तो उसमें ज्यादा भी होगा लेकिन आपका फायदा तभी होगा जब आप करोगे उस क्वेश्चन आंसर को। ओके सर। हाँ, तो मैं क्वेश्चन दूं क्या अभी आपको करने के लिए? फिर यस सर। ठीक है, तो मैं देता हूँ फिर आपको, है ना? ऑफ कर दें फिर अभी आज। ओके सर।